हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आई जी वसीम चैनल में। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पोको X2 वर्सेस रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स डिटेल में फ्री फायर का कंपैरिजन करेंगे। यहां पे गाइस टच रिस्पांस, स्मूथनेस, सेंसिटिविटी को डिटेल में कंपैरिजन करेंगे और FPS भी देखेंगे कि कौन अच्छा प्रोवाइड कर रहा है। तो गाइस ये वीडियो देखते रहिए लास्ट तक, और वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़रूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को दोस्त शुरू करते हैं। तो दोस्त ये देख सकते हैं हमारा फ़ोन यहाँ पे गाइस दोनों है, और साथ में गाइस यहाँ पे मैं एक बार दिखा दूँ कि दोनों फ़ोन्स को हमने सेम नेटवर्क से, मतलब सेम वाईफाई से कनेक्ट कर दिया है। सिंपली गाइस यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक साथ फ्री फायर को ओपन करते हैं और देख लेते हैं कौन पहले ओपन करता है। एक बार ये भी ट्राई हो जाएगा यहाँ पे गाइस। तो दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी जल्दी से यहाँ पे Redmi Note 9 Pro Max में लोगो आ चुका था, और यहाँ पे देख सकते हैं ये भी आ गया है गाइस। तो यहाँ पे देखते हैं कौन गाइस, क्या ही बोलूं, Redmi Note 9 Pro Max विनर बन चुका है दोस्त। अब दोस्त यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं सेटिंग में दोनों फ़ोन्स की। तो सबसे पहले यहाँ पे Note 9 Pro Max की देख सकते हैं, हमने सभी चीज़ें हाई कर दी, सिर्फ शैडो को ऑफ किया है, बिकॉज शैडो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं गाइस। और यहाँ पे सेम चीज़, यहाँ पे चलते हैं हम सेटिंग में, और गाइस यहाँ पे भी सेटिंग में चलते हैं ग्राफिक में, और यहाँ पे भी अल्ट्रा पे सिलेक्ट कर देते हैं गाइस, और यहाँ पे हाई FPS को ऑन कर दिए गाइस। अब सिंपली गाइस यहाँ से गेम को स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले Redmi Note 9 Pro Max का टच रिस्पांस की बात करें, तो गाइस एक चीज़ मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे कोई भी जर्किनेस, लैग जैसा बिल्कुल ही फील नहीं हो रहा है गाइस। ये मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऐसे बहुत सारे मतलब फ़ोन नहीं होते। यहाँ पे मैंने पोको X2 का पहले टेस्ट किया था, तो वहाँ पे मुझे लैगिस जैसा फील होता था, बट यहाँ पे गाइस क्लियरली मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही सही ये वर्क कर रहा है। वैसे Realme 6 के साथ भी कंपेयर करने वाले हैं दोस्त। और यहाँ पे गाइस पोको X2 की बात करें तो सेम वही चीज गाइस बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे भी मुझे कोई भी अभी जर्किनेस फील नहीं हो रही थी, बट पहले जो हो रही थी जर्किनेस, बट जो ये नेक्स्ट अपडेट है 11 का, तो इसके वजह से गाइस ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, काफ़ी सही अपडेट प्रोवाइड किए और काफ़ी अब अच्छा परफॉर्म कर रहा है गेम में भी। तो ये एक चीज़ मैं कहूँगा दोस्त। और यहाँ पे गाइस स्मूथनेस की बात करें तो अच्छा है स्मूथनेस, बट डिपेंड करता है आपके ग्लास पे कि आपका ग्लास कैसा है, तो ये मतलब डिपेंड करता है फ़ोन पे। और यहाँ पे भी पोको X2 में भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा, मतलब सिमिलर सा ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइस मैं आपको FPS भी कंपेयर करके दिखा देता हूँ, वैसे लास्ट में हम स्लोमो में करके चेक करेंगे। यहाँ पे गाइस आप सिंपली देख सकते हैं कि जो FPS मुझे बेहतर प्रोवाइड करते हुए आ रहा है वो है Note 9 Pro Max, ये 60 पे मतलब है फिक्स जैसा, बट जो पोको X2 है वो 55, 54, 58 ऐसा कुछ चला जा रहा है। तो यहाँ पे गाइस मैं कहूँगा दोनों अच्छे हैं, यहाँ पे कोई ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा FPS के मामले में। वैसे हम स्लोमो में आपको करके दिखाएंगे, तो वहाँ से आप खुद ही देख सकेंगे कि क्या मतलब ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलता है या नहीं। तो गाइस यहाँ पे लैंड हो चुके हैं हम, और यहाँ पे गाइस बात कर लें सेंसिटिविटी की, तो गाइस टच रिस्पॉन्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब मुझे कोई भी गाइस यहाँ पे लैग जैसा फील नहीं हो रहा, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और मुझे सही लगा कि यहाँ पे ये प्रोसेसर हैंडल कर ले रहा है। वैसे फ्री फायर को तो ये GATV हैंडल कर लेता है, बट उसमें गाइस लैग जैसा फील होता है, जर्किनेस जैसा फील होता है, यहाँ पे Redmi 9 Prime में भी होता है, बट उस प्राइस में गाइस वैसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। बट इस प्राइस में डेफिनेटली गाइस आप बहुत ही मस्त गेम प्ले कर सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको स्मूथ देखने को मिल जाता है, तो ये मुझे काफ़ी सही लगा। तो यहाँ पे आप 720Z, 730Z, 732Z ये सभी प्रोसेसर्स में आप अच्छा गेम प्ले कर सकते हैं दोस्त। और यहाँ पे गाइस पोको X2 का भी देख लें, तो वही चीज़ गाइस कहूँगा कि पहले मुझे लैग जैसा फील होता था, बट यहाँ पे अब क्लियरली कह सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है और काफ़ी ज़्यादा ये स्मूथ वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं टच रिस्पॉन्स, सेंसिटिविटी, जो कुछ भी है मतलब बहुत ही सही वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे आपको गेम प्ले करते समय कोई भी आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, और डिपेंड करता है ग्लास पे जो स्मूथनेस को इंक्रीज करता है, तो ग्लास आपको अच्छा वाला टेस्ट करवाना चाहिए, तभी आप मस्त से मतलब स्मूथनेस का मजा ले सकते हैं, वरना वैसे ऐसे ऐसे ग्लास होता है जो कि मतलब उंगली उस पर फिसलती ही नहीं, तो आप क्या ही खेलेंगे गाइस। तो ये रहता है कि आपको ग्लास अच्छा वाला परचेस करना चाहिए दोस्त। और यहाँ पे गाइस सेम चीज़ मैं कहूँगा, मतलब कि दोनों ही फोन अच्छे हैं, मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिली। और गाइस यहाँ पे एक चीज़ और मैं कहूँगा, उससे पहले गाइस यहाँ पे मुझे एक इनेमी देख गया, तो गाइस इसको पहले ख़त्म करते हैं फिर मैं कहूँगा।
तो गाइस यहाँ पे ये ख़त्म हो चुका है। अब दोस्त यहाँ पे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि दोनों फ़ोन्स अच्छे हैं, बट इस टाइम पे गाइस डेफिनेटली मैं आपको ये बाई करने को एडवाइस मतलब नहीं दूंगा, बिकॉज अभी जो टाइम चल रहा है वो दूसरे फ़ोन का चल रहा है। जैसे कि गाइस इन दोनों फ़ोन्स के बदले आप रेडमी नोट 9 प्रो को चूज़ कर सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेंगे। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं स्लोमो में आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे FPS भी आप देख सकते हैं, अगर FPS काफ़ी कम ज़्यादा होता तो आपको डिफरेंस क्लियरली नज़र आ जाता, बट यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है गाइस। तो यहाँ पे आप सिंपली इन दोनों फ़ोन्स के बदले पोको X2 और Redmi Note 9 Pro Max के बदले आप Redmi Note 10 Pro को चूज़ कर सकते हैं। वो काफ़ी सही डील है, AMOLED डिस्प्ले के साथ में आता है और बैटरी और फास्ट चार्जिंग तो ऑफकोर्स अच्छा ही है। तो गाइस वो आप फ़ोन चूज़ कीजिएगा, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी आपको वो प्रोवाइड कर देगा। तो उम्मीद है आप गाइस आप ये समझ चुके होंगे कि अभी मतलब इन दोनों फ़ोन्स का टाइम चला गया है अभी। तो गाइस फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त अलविदा।